कोई भी एक डिस्क्राइब कर दो। किशन, जो तीनों प्रोजेक्ट दिए थे वो हो गए थे और एक टेम्परेचर आवाज ओके। और एक अलार्म क्लॉक तो आपने दी थी। एक सेकंड सर, एक और कुछ हाँ, एक कार्ड जनरेटर बनाया था सर, उस पर मतलब हम यूजर से वो बता दिए। और एक सर कार्ड कन्वर्टर था, उसमें मतलब पहले उसमें फर्स्ट में फर्स्ट पेज पे इनपुट लेना था यूजर से और उसपे दूसरे पेज पे आउटपुट देना था, जिसमें नौ कार्ड के अंदर वही नेम प्रिंट होगा और डिफरेंट फॉन्ट में प्रिंट होगा। ओके ग्रेट। तनुष शो कर सकते यस सर, शो कर सकते हो क्या स्क्रीन पे? या यस सर, स्क्रीन शेयर करके शो कर दो। सर जो यस आपने प्रोजेक्ट दिए थे वो दिखाने हैं क्या? नहीं, जो आपने अभी कार्ड वाला बताया वो। अच्छा वीएस कोड का सर्वर यूज किया है? यस सर, वीएस कोड का सर्वर यूज किया है। ओके ओके ग्रेट। सर इसका कोड भी दिखाना है? नहीं, बस फाइन। ओके सो जावास्क्रिप्ट में हमारी सारी चीजें हो गई है, ठीक है। प्रोमिसेस बचे हुए हैं, सो वो हम रूबी के साथ कवर करेंगे, रूबी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। प्रोमिसेस साथ साथ पैरेलली हम कवर करते चलेंगे। प्रोमिसेस क्या होते हैं, एसिंक अवेट से हम कैसे डेटा फैच करते हैं और कैसे शो करते हैं, ठीक है। सो आज रूबी देखते हैं, फिर कल से प्रोमिसेस के साथ रूबी पढ़ेंगे। ओके सो किसी को आइडिया है रूबी सर क्या है? सर यस बट सर एक सर डाउट था मुझे। हाँ सूर्यांशु। सर जैसे आपने प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए था, तो इसमें हम लोग सर अभी अपने से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि मतलब क्या कैसे क्या करना होता है, कैसी फंक्शनलिटी यूज करना होता है सर? वो तो रिफरेंस लेकर यूट्यूब गूगल का वो वैसे तो कर ले रहे हैं, लेकिन अपने से नहीं सोच पा रहे हैं। ओके सूर्यांशु, सो अभी हम जब रूबी के प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आप अपने अपने से भी कर पाओगे, ठीक, विदाउट एनी गूगल, ठीक है। जो चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी जब हम रूबी ऑन रेल्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई? जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क क्या करती है? यस सर, एग्जैक्ट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जितना मैंने अभी आपका कवर करा है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉमिसेस एंड एसिंक अवेट? अमन, पूनम, रवनीश, अंकित, किशन, सूर्यांशु, तनिष, कोई भी डाउट या क्वेरी है मेरे लिए? नो सर, मुझे तो अभी कोई डाउट नहीं। नहीं ओके सर, लेकिन ये स्टार्ट लोग वे नहीं कर या पाते हैं कि कैसे इसको बात करें। अमन रिपीट करो। कि सर जैसे लॉजिक नहीं बिल्ड हो पाता कि स्टार्टिंग से हम कैसे करें, कौन से लॉजिक से करें। ओके तो अमन एक प्रॉब्लम क्रिएट करो।
लॉजिक बिल्ड करेंगे अपन, ठीक है? जो जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जिस पे आप आपके लॉजिक्स तो क्रिएट नहीं हो पाते, उनकी लिस्ट बनाओ, कल 10 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके सर, ओके, सो इससे सूर्यांशु को भी हेल्प होगी एंड बाकी जो आपके टीममेट्स हैं उनको भी हेल्प होगी, एक्चुअली लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। ओके सर, तो 3 to 4 क्वेश्चंस बना लो, या फिर आप प्रोग्राम जिसमें आपको डिफिकल्टीज आ रही थी वो लेके आना कल। सो 10 to 15 मिनट्स में हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली लॉजिक बिल्ड कैसे होते हैं। ठीक सर सर। एक्चुअली सर मुझे लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैं लॉजिक बिल्ड कर लेता हूँ। हाँ, आपको फ्लो में प्रॉब्लम होगी कि इसके बाद आप क्या हाँ फ्लो यूज करोगे। यस सर, ओके, सो वो दोनों चीजें हम कवर कर लेंगे, लॉजिक और फ्लो। सर ओके, अभी कौन कौन फैमिलियर है रूबी लैंग्वेज से? ज्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, बट इतना पता है कि सर इसी का बैकएंड लैंग्वेज, बस सिंटेक्स वगैरह बस चेंज हो जाते हैं इसमें, बाकी सब वही रहता है। चलिए, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो पाइथन का, पाइथन पता है पाइथन क्या है? सर? जावा पता है, जावा में पढ़ा हूँ, कोर जावा। ओके, कोई पाइथन से फैमिलियर है? पाइथन सर वो किशन पढ़ा है, वो फैमिलियर है सर। किशन, पाइथन पाइथन कैसी लैंग्वेज है बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर, ओके तो जिस तरीके से पाइथन है उसी तरीके से रूबी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। रूबी जो है वो मिक्सचर है पर्ल लैंग्वेज का और पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है? ऑब्वियसली। पर्ल और पाइथन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी रूबी लैंग्वेज बनती है, ठीक है? सो पाइथन जिसने पढ़ रखी होगी यस सर, वो सेम सिंटैक्स यूज करेगा यहाँ पे, सिर्फ ओके थोड़े से सिंटैक्स चेंज होते हैं और सारी फंक्शनैलिटी आपकी सेम ही रहती है। सर। गोलैंग के भी सिमिलर है क्या ये? हेलो, हेलो, या एक्चुअली गो का मुझे नॉलेज नहीं है, पाइथन का नॉलेज है एंड रूबी का नॉलेज। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट, तो मैं आपको चीजें सारी सिखाता हूँ कैसे होती है एक्चुअली। ओके, सो पूनम, मैंने रिसेंट अभी आपकी चैट पढ़ी, सो आपका सेम इशू है सूर्यांशु जैसा, आपको प्रॉब्लम आ रही है लॉजिक्स में, ठीक है? सो ठीक है, हम 15 to 20 मिनट्स की क्लास लेंगे और सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कर देना आज एंड ऑफ द डे तक, ठीक है? फिर हम लॉजिक्स बिल्ड करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि फ्लो कैसे बनाएं हम जब हम कोडिंग करेंगे। ओके, सो 3 क्वेश्चन अमन रखेगा, 3 क्वेश्चन पूनम रखेगी एंड 3 क्वेश्चन सूर्यांशु रखेगा।
सर। ठीक है, क्लियर है तीनों को? सो एंड ऑफ द डे तक ग्रुप में शेयर कर देना तीन तीन क्वेश्चंस। ओके फाइन। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस यस सर। ओके सो एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। एक्चुअली रूबी है क्या, कैसे वर्क करती है और कितनी डाइवर्स है जावास्क्रिप्ट से। ओके सो बेसिकली रूबी एक डायनेमिक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे आप उसकी क्लास यूज करो, चाहे आप उसकी कोई मेथड यूज करो, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको यूज में आएगी, ठीक है। अब रूबी इज कंसिडर्ड सिमिलर टू पर्ल एंड स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट रन्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक ओएस, ऑल वर्जन्स ऑफ यूनिक्स, ठीक है। सो रूबी क्या है? पर्ल और स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस होता है आपका जैसे पाइथन होती है, ठीक है। पाइथन में आप क्या लिखते हो कोड के अंदर, पूरा इंग्लिश में लिखते हो, ठीक है। इंग्लिश में जब आप कोड लिखते हो तो सिंपली आप जो इंग्लिश में लिखोगे वही आपको आउटपुट आएगा। अगर आप प्रिंट लिखोगे तो प्रिंट आएगा, ठीक है। लूप चलाना होगा तो लूप चलेंगे, ठीक है। जो भी आप स्टेटमेंट दोगे वो प्योरली आप इंग्लिश में दोगे और वही आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। इट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन रूबी। ईच एंड एवरी कोड हैज देयर प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस। हेयर प्रॉपर्टीज रिफर टू द वेरिएबल एंड एक्शंस रिफर टू द मैटर। सो जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप कोई मेथड भी यूज कर रहे हो, सपोज अगर आप एरे यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, डेट टाइम यूज कर रहे हो, रेंज यूज कर रहे हो, या फिर आप कोई और मेथड का यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर अलग अलग मेथड्स होती हैं। सो जैसे अगर आपको उस ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसकी मेथड को यूज करना है, तो आप इजिली यूज कर सकते हो। ये हिस्ट्री है रूबी की, किसने डिजाइन किया, ये इसका नेम है। 1990s में जापान के अंदर ये डिस्कवर हुई थी। अब आइडिया क्या था? पर्ल इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉय लैंग्वेज। पाइथन इज नॉट फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। रूबी डेवलपर युकिरो मैट्सुमोटो वॉन्टेड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड शुड बी ईजी टू यूज एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ही सर्च्ड फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज बट कुडंट फाइंड वन, हेंस ही डेवलप वन। सो रूबी को डेवलप करने का जो मेन एम था वो क्या था, कि जो उसका डेवलपर था उसे क्या चाहिए था, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए थी प्लस सिंपल होनी चाहिए थी वो, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज कौन सी है, हमारी पाइथन है, जो कि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। और जो हमारी इजी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो पर्ल होती है। सो जो डेवलपर था इसका मार्ट्स, उसने क्या किया, पर्ल और पाइथन का जो कोर कोड रहता है उसको मिक्स किया और रूबी को डिजाइन किया। अब जो रूबी का हमारा करंट वर्जन चल रहा है वो है 2.4.0, ठीक है। ये आई थिंक ये पुराना है, ठीक है। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 3.1.2 चल रहा है। ये 2016 तक का था, 2016 पे 2.4.0 चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो 3.2 चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स क्या है रूबी के, रूबी इज ग्रेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लुकिंग एज इट्स पास्ट वी कैन से दैट इट हैज ब्राइट फ्यूचर इफ इट्स कम्युनिटी मेंबर कंटिन्यूइंग एक्सपांड इट बियॉन्ड द थिंकिंग। सो अनलाइक पाइथन, पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। सो रूबी की कम्युनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, बट फ्यूचर में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो पाइथन से कंपेयर करी जा सकेगी, ठीक है। इसमें सारी चीजें वही है जब हम यहाँ पे जाएंगे फ्यूचर्स के अंदर। सो यहाँ पे पूरे फ्यूचर है, मेथड नेम्स, की आर्गुमेंट, नेमिंग कन्वेंशन, वेरिएबल कॉन्स्टेंट, स्टेटमेंट, कीवर्ड, पोर्टेबल, गार्बेज कलेक्टर भी है इसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, डायनेमिक टाइपिंग होती है। डायनेमिक टाइपिंग समझते हो क्या होती है? नो ओके ठीक है, एक कोड लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको
अभी हम रूबी वर्जन चेक करते हैं, रूबी का वर्जन क्या है। अभी यहाँ पे मेरे पास रूबी का वर्जन है 3.2.2, ठीक है। अब जैसे हम नोड में करते थे नोड, अब इसका टर्मिनल हमारे पास ओपन हो जाता था और हम यहाँ पे सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, वेयर वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई 3, ये हमारा कोड चल रहा है। दैट इज इक्वल टू, यस सो यहाँ पे हमें जो डायनेमिक रहती है फील्ड्स, उसमें पहले क्या होता था, अगर आप सी पर हो, सी पढ़ते हो या सी प्लस प्लस पढ़ के चले हो या जावा आपने पढ़ रखी है, तो वहां पे आपको आपके वेरिएबल का जो टाइप रहता है वो डिस्क्राइब करना रहता है पहले। जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये पहले आपको डिस्क्राइब करना रहता है, तभी वो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। अब डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक के अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो और इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। सो ये होता है डायनेमिक टाइपिंग। अब जिस तरीके से मैं नोट करके मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, उसी तरीके से अगर मुझे रूबी का टर्मिनल ओपन करना है, सो मैं IRB लिखूंगा और ये मेरा रूबी ओपन हो गया। सो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, अब एक्स प्लस वाई करूंगा, आंसर मुझे मिल गया। हो रहा है सभी को? यस सर, यस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। विजुअल अपीयरेंस, मिक्सचर्स, एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पे क्लास हम पढ़ेंगे, एक्चुअली क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के कितने फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारी रूबी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब जैसे क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस आता है, तो इनहेरिटेंस का सिर्फ एक ही फॉर्म आता है रूबी के अंदर। इसके बाद जो मल्टी लेवल मल्टी है, मल्टी लेवल मल्टीपल जो इनहेरिटेंस आते हैं हमारे, वो मिक्सिंग से कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारी इसके फ्यूचर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फ्लेक्सी, केस सेंसिटिव, सिंगल टोन, मिक्सिंग्स। ये रहा, रूबी हैज अ फ्यूचर ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस ओनली, रूबी हैज क्लासेस एज वेल एज मॉड्यूल्स, अ मॉड्यूल हैज मेथड बट नो इंस्टेंस, इंस्टेड अ मॉड्यूल कैन बी मिक्स्ड इनटू अ क्लास व्हिच एड्स द मेथड टू द मॉड्यूल टू द क्लास। इंस्टेंस क्या होता है क्लास का? सो इंस्टेंस हम किसे कहते हैं? अब जब आप रूबी में कोडिंग स्टार्ट करोगे, सो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा आपके इंस्टांस से, ठीक है। सो जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम रूबी लैंग्वेज के अंदर इंस्टांस बोलते हैं उसका, ठीक है। सो रूबी के अंदर क्या है, पूरी क्लास के फ्यूचर्स है, जो क्लास और ऑब्जेक्ट के फ्यूचर्स चलते हैं हमारे पास, मेथड चलती है, मल्टीपल्स, वो सारी चीजें हैं। सिर्फ इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस में क्या कर रखा है रूबी ने, जो सिंगल इनहेरिटेंस है वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए, बट जैसे ही सिंगल इनहेरिटेंस के बाद हम आगे चीजें पढ़ेंगे, सो वो अवेलेबल नहीं रहेगी, हम उसको मॉड्यूल्स और मिक्सिंग्स की हेल्प से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स हैं, ये आप जाके पढ़ सकते हो। रूबी वर्सेस पाइथन देखोगे, सिमिलरिटीज क्या है, दे बोथ आर हाई लेवल लैंग्वेज, दे बोथ आर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट बोथ आर यूज फॉर वेब एप्लीकेशन, बोथ वर्क मल्टीपल फॉर्म्स, बोथ हैव क्लीन सिंटैक्स एंड इजी रीडेबल, बोथ यूज इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट कॉल्ड IRB। ये सारे इसकी फ्यूचर्स और सिमिलैरिटीज है रूबी पाइथन से। अब रूबी इंस्टॉलेशंस, आप अब रूबी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो? ओके, अब जब इंस्टॉलेशन पे आए तो यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सो किस किस के पास विंडोज है? सर मेरे पास है। यस सर, मेरे पास तनिष, भी प्रियांशु, ओके, ठीक है।
तो जब तक हम रूबी पढ़ेंगे तब तक हम विंडोज से कवर कर लेंगे। इसके बाद, इसके बाद आप क्या करोगे, अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उबंटू बनाओगे और उबंटू पे हम वर्क स्टार्ट करेंगे। उबंटू पे वर्क स्टार्ट क्यों करेंगे हम, क्योंकि उबंटू से आपकी जो कोडिंग है वो बहुत इजी वे में हो जाएगी, ठीक है। सो आपका विंडोज का डेटा कहीं नहीं जाएगा, हम दो ओएस डालेंगे आपके पीसी के अंदर, ठीक है, जिससे आप जब आपको विंडोज यूज करना होगा तो आप विंडोज पे स्विच हो जाओगे, अगर आपको उबंटू यूज करना है तो आप उबंटू पे स्विच हो जाओगे। तो सारी जो हम प्रोफेशनल वर्क करेंगे कोडिंग का, वो हम पूरा उबंटू के ऊपर करेंगे। फिर जो आपका पर्सनल वर्क रहेगा, जैसे आपको अगर आपके पर्सनल पीसी को यूज करना है, ठीक है, सो आप विंडोज पे स्विच हो जाना। क्लियर है? ओके ठीक है, तो मैं 4 to 5 days पहले बता दूंगा आपको कि आपको कब स्विच करना है उबंटू के ऊपर। सो आप हेल्प ले सकते हो, राम सर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मैं राम सर से कांटेक्ट करके आपके ओएस को अपडेट करा दूंगा। या फिर आप सूर्या की भी हेल्प ले ओके सकते हो, ठीक है। तो मैं सर, उनसे कांटेक्ट करके आपकी सारी चीजें ये कंप्लीट करा दूंगा। अभी तो कोई नीड नहीं है, अभी हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब ये रूबी इंस्टॉलेशन आ गया। रूबी इंस्टॉलेशन के अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आरवीएम होता है, जो रूबी वर्चुअल मशीन होती है, वो जिस तरीके से हमने नोड इंस्टॉल करा था, नोड के अंदर हम अलग अलग वर्जन नोड के डाल सकते हैं, उसी तरीके से आरवीएम है हमारे पास यहाँ पे, जो कि एक पैकेज मैनेजर का वर्क करता है। पैकेज मैनेजर इन द सेंस ये होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रूबी वर्जन पे काम करना है तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हो। सपोज अगर आप 3.2.2 वर्जन पे वर्क कर रहे हो अभी, फिर 2.7 पे अगर आपको वर्क करना है तो आप स्विच कर सकते हो। अब ये वर्जन से क्या समझ में आता है आपको, ये वर्जन क्यों दे रखे हैं? देखो, वर्जन्स की नीड क्यों होती है, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होती है सो वो फुल्ली कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती, उसमें एनहांसमेंट होता रहता है। जिस तरीके से आपके ओएस के अपडेट्स आते हैं मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉयड के, हर यस अपडेट के साथ आपको एक न्यू फंक्शनैलिटीज मिलती हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, और वो आपको और इजी इंटरेक्टिव ओएस एक्सपीरियंस देती है आपका। ठीक है, सो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी यही होता है, अलग अलग वर्जन्स के अंदर आपको अलग अलग फंक्शनैलिटीज एड ऑन करके मिलती है, जिसकी हेल्प से आप और फंक्शनैलिटीज खुद की क्रिएट कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करती है इजिली कोड करने में, ठीक है। सो ये होता है वर्जन्स। सो अगर हमें वर्जन्स के साथ चलना है तो हम आरवीएम का यूज करेंगे, और अगर हमें डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो हम डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप आरवीएम के थ्रू करो। सो ये कमांड है जिनके पास उबंटू है उनके लिए, एंड विंडोज की कमांड मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप पे। अब हेलो रूबी का प्रोग्राम जो फर्स्ट रहेगा, सर, उसको ठीक, आज इंस्टॉल करवाना है रूबी को। ओके यस, आज आप इंस्टॉल कर लेना, ज्यादा सर, ट्रिकी नहीं है, इजी है, हाफ एन आवर में हो जाएगा। आप सूर्या की हेल्प ले सकते हो या किसी भी सीनियर की हेल्प ले सकते हो जो रूबी पे वर्क कर रखा है, ठीक है, विंडोज वो आपके पीसी में डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज मैं सूर्या से टॉक करके आपको बता आपके पीसी में इंस्टॉल करवा दूंगा। ओके सर। ओके फाइन। सो फर्स्ट अगर हमें रूबी का प्रोग्राम बनाना है तो हमें जो हम डॉट जेएस अभी हमने देखी थी, तो डॉट जेएस में हम क्या कर रहे थे, अगर हमें डॉट जेएस वाली फाइल रन करनी थी तो हम क्या करते थे, डॉट जेएस एक्सटेंशन से कोई भी फाइल बनाते थे, और फिर उसके बाद क्या करते थे, हम उसे नोड डॉट करके रन कर देते थे, ठीक है, फाइल का नेम लिख देते थे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं टच हेलो डॉट आर बी सूडो नैनो हेलो डॉट आर बी पासवर्ड है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे पोर्ट्स,
रूबी। हेलो आ गया। यस ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी रहती थी हम लगाते थे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें रूबी के अंदर कुछ चीज प्रिंट करनी है हम पुट्स लिखेंगे। पुट्स के बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर हेलो रूबी, और हम जो भी लिखेंगे पुट्स के अंदर वो हमें एज इट इज प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है। अभी मैं नैनो टर्मिनल पे खोल रखा है मैंने, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। इसे हम वीएस कोड पे खोलेंगे एंड फिर चेक करेंगे फाइल कैसे रन होगी। ठीक है। रूबी हेलो डॉट आरबी, ये आ गया हेलो रूबी। समझ में संपर्क आया जो यहां तक? परसेंटेज का सिंबल लगा है, यस। परसेंटेज का सिंबल और रूबी के पहले परसेंटेज का सिंबल लगा है नहीं, ये तो एक्चुअली मेरे टर्मिनल का है। अच्छा हाँ, ये जावास्क्रिप्ट जब मैं पढ़ा रहा था तब भी था ये रहा। ओके, सो ये मेरे टर्मिनल का है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। सो सिंपली हेलो रूबी पुट्स लिखोगे तो आप एज अ कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा वो। रूबी हेलो डॉट आर बी लिख दिया हमने। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फाइंडर के अंदर जाता हूँ एंड ये रही मेरी फाइल हेलो। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन विथ विजुअल कोड। ये मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पुट्स लिखूंगा, पुट्स